नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांचाल हमारे YouTube चैनल ड्रैगन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। सरकारी नौकरियों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, HSSC के जो क्लर्क के एडमिट कार्ड हैं वो आपको पता है कि 24 तारीख को जो आने थे लेकिन नहीं आ पाए थे। कुछ ही टाइम जो 1.5 घंटा तक ही वेबसाइट चली थी, उसके बाद जो वेबसाइट क्रैश हो गई थी। उसके बाद जो है कल यानी कि 16 तारीख को जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए जो आपका लिंक है वो एक्टिवेट किया गया, लेकिन भारी जो उसमें ट्रैफिक के कारण जो है वेबसाइट फिर भी रुकी रही। काफ़ी टाइम तक जो कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे थे, तो शाम को जो है एक्टिवेट हुआ। तो अब जिसका डायरेक्ट लिंक जो हूँ मैं आपको वहाँ पर दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए, इसमें आपने अपना जो एप्लीकेशन नंबर है या आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। और जो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, या फिर अगर आपको जो है अपने माता का नाम भी जो है वो भी फिल आप यहाँ पर कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ की बजाय, ठीक है। दोनों में से एक कोई भी आप भर सकते हैं, या फिर आपके नाम एप्लीकेशन नंबर, इनके साथ में जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि बार बार हो सकता है आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि एक बार में जो ये लिंक ओपन नहीं होता है क्योंकि भारी ट्रैफिक अब बीच पर जो है बना हुआ है। तो इसका डायरेक्ट लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो मैं एक बार आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ, तो उसके लिए भी एक बार आप वीडियो को ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, इसमें डिटेल्स जो है मैंने फिल कर दिया, प्रोसीड पे क्लिक करके जो है मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो ट्राई करता हूँ, देखते हैं कितनी बार की ट्राई में जो ये डाउनलोड हो जाता है, क्योंकि बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत जो है इसमें पड़ रही है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर द सर्विस इज अनअवेलेबल जो है यहाँ पर शो कर दिया है, लेकिन बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले ही जो बताया था। तो अगर हो सके तो इसको जो है क्रोम ब्राउज़र में ही ओपन करने का ट्राई जो है आप कीजिएगा, किसी ओपेरा मिनी या फिर यूसी ब्राउज़र की बजाय, तो वो आपके लिए जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, जब ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो इसके बाद जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आपको जो है नीचे शो करेगा, जहाँ पर प्रोसीड लिखा हुआ है इसके नीचे आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर जो देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर होगा, नाम और जो कैटेगरी नंबर है और जो पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। इस पर हम जो क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो PDF की फाइल वो शो हो जाएगी, अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो वो मैं आपको एक बार डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो बहुत ज़्यादा है वेबसाइट पर, जो कि डाउनलोड करते समय भी जो है अब लिंक के बाद जो है आने के बाद भी सर्विस अनअवेलेबल जो है यहाँ पर दिखा दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर। तो सर्विस इज अनअवेलेबल, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं भारी ट्रैफिक है, तो यहाँ पर डाउनलोड मैं करने की ट्राई बार बार कर रहा हूँ। दोस्तों, डाउनलोड जो है एडमिट कार्ड हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो एग्ज़ाम है वो आप यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो देख सकते हैं कि जो है महेंद्रगढ़ में जो आप ये एडमिट कार्ड में जो है यहाँ पर शो किया गया 22 तारीख का, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कंफर्म जो है दोबारा से करवा देता हूँ कि बार बार जो है इसमें रिफ्रेश आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।